व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं रात को, तो चाय बन रही है। दूध नहीं था तो चाय हमने आज नहीं पी दोपहर शाम को, तो चाय के लिए दूध आया है। और आज बनेगा सत्तू की कचौड़ी बनेगी। तो यहाँ पे जो प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक काट लिया है, और मम्मी ने बोला है तो जब तक ये काट, धनिया एकदम बारीक बारीक अच्छे से धो के, और यहाँ पे चटनी बनेगी तो उसके लिए ये लहसुन लाल मिर्च है, शायद इसमें टमाटर भी डालेगी मम्मी। और ये पापा का टिफिन है, पापा आ गए हैं, तो बने रहिए व्लॉग में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं यहाँ पे नीचे आपको मेंशन कर रही हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी kumu_al169, उसको भी फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छी अच्छी रील्स मिलेगी, कॉमेडी डांस सब चीज़ की। और मेरा यूट्यूब चैनल मिशाली वर्स 2408 जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब तक के लिए बने रहिए आप ब्लॉग में। धनिया है ये मैं काट लेती हूँ अच्छे से, पहले इसे काट लेती हूँ, फिर इसको 3-4 पानी से अच्छे से धो दूँ। यहाँ पे बात करते करते धनिया मेरा कट गया है, उसको मैं धो देती हूँ 3-4 पानी से। और यहाँ चाय जो है मेरी वो भी खोल गई है, इसके अंदर इलायची और अदरक डाल देती हूँ मैं, ठीक है? तो मिलते फिरते हैं। कचौड़े के साथ हमारे बनेंगे जवे कचौड़ी, पता थी ये नहीं पता थी, सरप्राइज था ये मम्मी के लिए है, मम्मी ने सरप्राइज दिया है। जवे बन के ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी, बस इसके अंदर डलेगी चीनी, मम्मी ने बताई थी। इसमें घी क्यों डाला? घी फाई से भूलते हैं ना, भूल गई मैं, तो हल्का पका हुआ घी है थोड़ा सा डालती। चिकन आई क्या, दूध और डालना नहीं हल्का इसे मंदा। चलो बताओ इसके अंदर क्या क्या डाला? इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, काली अजवाइन और अजवाइन डाला, काली ये इसको काले ये भी अजवाइन, काली वाली अजवाइन भी है हाँ, और अजवाइन है और वो अजवाइन है और प्याज है, हरी मिर्च है, नींबू है, फिर सत्तू है, फिर नमक है, फिर सरसों तेल है। कि लिट्टी के अंदर जैसे सामान डलता है उस तरीके का ये ना, ये मैं परांठे में पर ना तेल नहीं डालती थी, परांठे बनाती थी ना तेल नहीं डालती थी। पराठे में तेल कौन डालता है? आपने हाथ से काटा, मैं हाथ से नहीं, वो वाली मशीन से, एकदम बारी बारी पड़ जाता था। नींबू में इतना खट्टा है ये फल कि पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आम का अचार भी डालता हुआ वो हाँ। उसमें डाल ये इसमें भी डाल सकते, नमक डाली मैं हाँ नमक डाला तो मैं मील का और गेहूं का आटा है, नमक डाल दिया। टाइट गूंदेगा ये नॉर्मल जैसे गूंदता है, मुझे गूंदने में परेशानी नहीं है, बाद में ना जो मील वाला आटा है ना वो धोखा दे जाता है। हमारा काम मोस्टली हो गया है, बर्तन धो दिया है मम्मी, धोए बर्तन में मम्मी जब तक जो कचौड़ी है उसके अंदर सत्तू भरेगी, वो तो मैं पीस के अच्छे से लगा देती हूँ। और यहाँ जवे बन के हो गए रेडी, एकदम यम्मी यम्मी ड्राई फ्रूट्स वाले जवे बन गए, ठीक है? और जब तक जवे जवे भोगती हो, जब तक मम्मी जो सत्तू के जो कचौड़ी है वो अच्छे से फिल करके अच्छे से मम्मी कर देती, जब तक मैं यहाँ से ये सारा सेब अच्छे से मैं पोंछ दूँगी ताकि मम्मी बेल के अच्छे से दे दें मेरे को, फिर बाद में मैं आराम से इसे सेक, ठीक है? तो मिलते थोड़ी देर बाद।
हाय गाइस, जो जगह है वो हम लोग बैठ गए हैं, कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पाया है। हाँ, तो जो जगह है हमारे बन गए एकदम जैसे मैंने दिखाया था। और ये थोड़ा सा दूध रखा है चाय बनाने के लिए, तो कचौड़े के साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी। इसमें कुछ ज़्यादा मिला मतलब इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो चीज़ें नहीं मिलाई है, बस हरी मिर्च है, लहसुन है, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर का सब नमक स्वाद अनुसार। हेलो गाइस, पहली बार बना रही है, देखिए ध्यान से। कचौड़ी तो पहली बार बना रही है। तेल हो गया गरम, मम्मी ने ये दिया पहले। तो आप ना आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, अपना पूरा अपना 100% दे रही हूँ ब्लॉग में। मम्मी ने लोई तैयार कर दिया है, तेल हो गया यहाँ पे गरम। ये भगवान जी के निकल इसके लिए निकला है, ये दादा दादी के लिए निकला है। डर के आगे जीते। यहाँ पे खाना बन गया था, रसोई का काम हो गया था फिनिश और रसोई को साफ कर दिया था। यहाँ पे हम सब ने खाना खा लिया था, वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम देख रहे थे मूवी, तो सब एकदम फ्री हो गए थे। जो जवे हैं हमने रख देते फ्रीज में, वो खाएंगे हम मॉर्निंग में। तो कैसा लगा आपका व्लॉग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, मिलते हैं।